हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके जरिए कांग्रेस हाईकमान ने युवा और अनुभवी चेहरों पर एक बार फिर दांव खेला है। इनमें 2019 का चुनाव हारने के बावजूद 3 चेहरों अशोक अरोड़ा, कुलदीप शर्मा और परमवीर सिंह पर अनुभव के तौर पर कांग्रेस ने एक बार फिर दांव खेला है। वहीं वर्धन यादव, मोहित ग्रोवर, बलराम दागी और अनिरुद्ध चौधरी भी युवा चेहरे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश के पूर्व दिग्गज नेताओं की विरासत को भी पार्टी से जोड़े रखने पर पूरा ध्यान रखा। इसी वजह से पूर्व सीएम बंसीलाल के पोते और सर छोटूराम के पूर्व मंत्री नाती वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को भी टिकट दे दिया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने बीजेपी में बगावत से दूसरी लिस्ट में सबक लिया। भाजपा की पहली ही लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के मुकाबले कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 32 और अब सिर्फ 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बता दें कि कांग्रेस की दूसरी 9 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के बाद कहीं पर कोई विवाद सामने नहीं आया है। थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा और टोहाना से परमवीर सिंह इसमें शामिल हैं। ये तीनों ही पिछला चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार टिकट न मिलने पर बगावत न करें इसलिए इन पर फिर से कांग्रेस ने दांव खेला है। वहीं उचानाकला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वृजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया है। वे सर छोटूराम के नाती वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। लोकसभा में कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी, अब ऐसा होता तो उनकी बगावत तय थी। इसे हाईकमान ने बड़ी सूझबूझ से रोक लिया। वहीं महम से पिछली बार चुनाव लड़े आनंद सिंह दागी के बेटे बलराम दागी को इस बार टिकट दिया गया है। यहां से कांग्रेसी हुड्डा परिवार के किसी भी मेंबर को लड़ाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हाईकमान ने दागी परिवार को नाराज नहीं किया। बात बादशाहपुर के विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां से वर्धन यादव को टिकट दिया गया है। वे यूथ कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और राहुल गांधी की पसंद भी माने जाते हैं। इसके साथ ही गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट देकर कांग्रेस बगावत से बच गई। इसी साल लोकसभा चुनाव में मोहित के बागीसुर नजर आए थे, उन्हें टिकट ना मिलती तो फिर से बगावत की गुंजाइश बनी रहती, इसीलिए कांग्रेस ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है। वहीं टोहाना से परमवीर सिंह को हार के बावजूद रिपीट किया गया है। यहां से जेजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने परमवीर की बगावत झेलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी और उन्हें टिकट दे दी। ऐसे में ये कहा जाए कि कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में सेफ गेम खेलते हुए 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, ताकि कहीं पर कोई बगावत के सुर ना उठें। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पहली लिस्ट में 32 और दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इसके साथ ही अभी 2 और लिस्टें आ सकती हैं। तीसरी लिस्ट आज या कल आएगी। वहीं चौथी लिस्ट की बात करें तो चौथी लिस्ट विवादों वाली होगी, जिसे नामांकन के अंतिम दिन यानी 12 सितंबर से एक दिन पहले जारी किया जा सकता है, ताकि बागियों को दूसरी पार्टी में जाने या निर्दलीय लड़ने का मौका ना मिले। वहीं बात करें अभी तक जारी उम्मीदवारों की लिस्ट की, तो इसमें अभी तक जितने भी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं उनमें से हुड्डा खेमे के ज्यादा हैं। कांग्रेस में उनके विरोधियों की बात करें तो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं में सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। सुरजेवाला कैथल सीट से अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला के लिए दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक वहां से टिकट की घोषणा नहीं की है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब कमान इस पर क्या फैसला लेता है।